dipper from Junaid Khan. He gets the big one. Assalamualaikum everyone. IPL end हो गया, जिस तरह मैंने कहा था कि मेरी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग जीत गए. कंग्रेचुलेशन चेन्नई सुपर किंग एंड उसके जितने भी फैन है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो. मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट IPL था, चाहे वो यंगस्टर की परफॉर्मेंस वाइज था या सीनियर की परफॉर्मेंस वाइज था या MS धोनी की कप्तानी. MS धोनी की कप्तानी में तो नो डाउट कोई शक नहीं है, चाहे उसने वो इंडिया के लिए किया हो, चाहे वो उसने चेन्नई सुपर किंग के लिए हो. लेकिन जो ये वाला IPL था तो वो उसके लिए डिफरेंट था. डिफरेंट इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो उसकी फिटनेस भी वो वाली नहीं रही थी, और दूसरा ये था कि वो ये उसका लास्ट IPL था. लोग कह रहे थे, इवन वो भी कह रहा था कि भाई ये मेरा लास्ट है, क्योंकि जिस तरह पहले या दूसरे मैच में उसको नी की इंजरी हुई थी. तो फिर भी क्रेडिट मैं कहूँगा कि जा रहे उसके मैनेजमेंट और टीम ऑनर्स को. वो इसलिए क्योंकि उसको नी का प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉपर बैटिंग नहीं कर सकता था. वो आता था बारी लेने के लिए नंबर 7 नंबर 8 पे, लेकिन फिर भी उनको पता था कि भाई हमें ये फील्ड में चाहिए, क्योंकि इसी की कप्तानी में हम 4 दफ़ा टाइटल जीत चुके हैं. तो इस बार भी हम जीत सकते हैं, क्योंकि उसकी कप्तानी में तो कोई डाउट ही नहीं है. उसको आइडिया है कि भाई यंगस्टर को किस तरह लेके जाना है और सीनियर को किस तरह लेके जाना है. तो उसने शो करा दिया, और जिस तरह उसने कहा कि भाई मैं अभी 6-7 महीने और देखूंगा अपने फिटनेस वगैरह को, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि अगला IPL मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा. लेकिन जिस तरह उसने कहा तो मुझे लग रहा है कि वो खेलेगा. फिर जिस तरह मैंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट IPL था ये वाला, वो इसलिए एक तो ये कि जितने क्लोज मैचेस हुए और स्पेशली जो फाइनल क्लोज हुआ है, तो आज तक कभी IPL के ऐसे मैचेस नहीं हुए. फिर यंगस्टर वाइज जिस तरह मैंने बात की ना, तो उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए कुछ प्लेयर्स ने, जिस तरह शुभमन गिल थ्रू आउट वो इंडिया के लिए भी अभी उसने कुछ ये 1 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दी तो आउटस्टैंडिंग. फिर रिंकू सिंह जिस तरीके के उसने फिनिश किया, या तिवारी ने किया या शुभमन गिल ने किया है, तो आउटस्टैंडिंग. फिर सीनियर वाइज जिस तरह मैंने कहा ना कि कुछ सीनियर्स के लिए भी आउटस्टैंडिंग रहा, जिस तरीके से डुप्लेसी ने परफॉर्मेंस दी तो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो आप लोगों को पता भी है जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो चाह रहा था कि मैं खेलूँ साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं किया. और जैसे यहाँ पे IPL में उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड खुद उससे जो है वो रबते में हो गई. सो अच्छा रहा सीनियर्स के लिए. फिर जिस तरह मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की है तो आउटस्टैंडिंग. उसके बाद जो है मैं जो मेरे लिए स्पेशल है वो मोहित शर्मा है. कल आखिरी 2 बॉल उससे उस तरीके के नहीं हुए, तो हीरो से थोड़ा सा वो नीचे आया, लेकिन अब भी मेरे लिए वो हीरो है. वो इसलिए क्योंकि वो नट बॉलर से आया 15 से वो आया प्लेइंग 11 में वो आया, सेकंड विकेट टेकर फिनिश किया. शमी जो है वो 17 मैच खेला है, 28 आउट किए, और मोहित शर्मा जो है वो 14 मैच खेला है और 27 आउट किए. तो इसलिए यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा मोहित शर्मा को, क्योंकि एक तो ये कि वो खेल भी नहीं था, तो जब आप इतने नीचे से ऊपर आ जाते हैं तो आप पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सीजन रहा उसके लिए. तो अभी देखना ये होगा कि धोनी जो है वो क्या डिसाइड करता है, वो खेलता है या नहीं खेलता. फिर साथ में थोड़े बहुत जिस तरह काउंटी क्रिकेट भी शुरू है, तो कई पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो यहाँ पे खेल रहे. लेकिन पहले भी मैंने मेंशन किया था कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो जो वो चाह रहे वही करने देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स को पता नहीं चलता. क्योंकि जब हम भी होते थे तो हमें जब मना करते थे कि आप इस लीग में ना जाओ तो हम फाइन कर जाते थे. लेकिन ये कि PCB को चाहिए, और PCB के जो फिजियो वगैरह उनको चाहिए कि भाई किस प्लेयर की क्या रिक्वायरमेंट है हमें, और वो कौन कौन सी फार्मेट खेल रहे हैं, और उसकी फिटनेस क्या है. अब जिस तरह शाहीन आया हुआ है, तो शाहीन 3 फार्मेट खेल रहे हैं PCB के लिए. अच्छा, वो इंजरी से भी वापस आया है, और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक वो 2 मैच खेले, दोनों में उसने स्ट्रगल किए. तो मेरे ख्याल में बेस्ट यही था कि PCB उसको अलाउड ना करते और उसको कहते कि भाई आप अपनी फिटनेस पे भी काम कर ले और थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के और सीरीज भी आ रहे हैं, तो हमें आपकी ज़रूरत है. अगर आपको लीग की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान का एहसासा हो, तो आप पाकिस्तान के लिए खेलें. फिर जिस तरह शादाब आया हुआ है, तो शादाब का ऑलरेडी जो है फिटनेस पे प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी अलाउड कर लिया. तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें PCB को सोचनी चाहिए. हाँ, जिस तरह उसामा आया है या जमान खान आया है, तो ये ऐसे यंगस्टर है कि वो यहाँ पे आएंगे तो सीखेंगे. जिस तरह हम लोग आए थे ना शुरू में, तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है. तो इस टाइप के प्लेयर जो या तो सिर्फ T20 खेलते हैं या कभी एक आधा मैच खेलते हैं,
तो ऐसे प्लेयर को जब आप लीगों में भी अलाउड करते हैं तो वहां पे वो चीजें सीखती है, लेकिन जब आप शाहीन और शादाब जैसे प्लेयर को अलाउड करते हैं और खुदा न खास्ता उनको कोई इंजरी होती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो ये कुछ चीजें थी आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों का इस बारे में क्या राय है आप लोग मुझे अपने कमेंट में बता सकते हो।